लोकल लिकर है ऐसा ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे। दादी काफ़ी फ्रेंडली थी तो अच्छा लगा काफ़ी दादी से मिलके बात करके भाई। मी जस्ट ट्रैवल, नो आई एम अ यूट्यूबर। या व्हाट्स योर नेम? मैरी। मैरी? या। ओह आई एम अ यूट्यूबर, आई एम ट्रैवलिंग ऑल अफ्रीका बाय वॉक। ओह या कवरिंग ऑल अफ्रीका? या। And now I'm in Zambia, your country. Oh, the whole country? Yeah. You're on tour? Yeah. So from Zambia, where are you going? Maybe Malawi or Mozambique. Malawi or Mozambique. Yeah. You're just alone? I'm alone. Well, just traveling. I have traveled Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, now Zambia. Then you go back to China. Oh, I'm not from China. You're from... अरे भाई तो देखो यार कई बार अपने साथ हुए यार कि ये लोग अपने को चाइनीज बुला देते हैं। I'm not from China. Oh, because of my cap? Yeah. Oh no, I'm from India. You're from India? No, not China. I was thinking you're coming from China. No, why? Because of cap? Man, I didn't see you here. Oh, I'm from India. Okay. Yeah, but I'm traveling just. Walking, meeting local people. The truck drivers, hiking. Yeah, hitchhiking in Zambia. Okay. First, second, third, fourth. ये देखो यार यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे ही सामान ढोते हैं। नीचे टायर लगा हुआ है किसी गाड़ी का और फ्रेम बनाते हैं लोहे का और उस पर सामान वगैरह रखते हैं और इस तरह से स्टॉल करते हैं। तो ये रहा भाई अपना पूरा मार्केट। और एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो आवाज़ आपको पीछे बैकग्राउंड में आ रही होगी यार, ये यहाँ का तरीका है, यानी तरीका है यहाँ का कि सामान को बेचने का। यानी जैसे अपने यहाँ हम मुँह से बोलते हैं, खैर अपने यहाँ भी है कई जगह मैंने देखा लाउड स्पीकर में ही आपको भाई प्राइस जो है सामान का वो ऐसे ही चिल्लाते हुए लोग बोलेंगे और प्रमोशन अपना करेंगे। लिवी मनवासा स्टेडियम एंडोला जाम्बिया, सारी आउटडोर एक्टिविटी जितनी भी होती है भाई स्पोर्ट्स की वो यहाँ पे होता है। फुटबॉल मैच हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अभी भाई कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ जाम्बिया सीरीज। और भाई आज 21 सितंबर 2021 और हम इस वक्त हैं कॉपर बेल्ट प्रोविंस के एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट यानी लुआंशा डिस्ट्रिक्ट या टाउन में आप बोल सकते हैं, जो कि भाई पड़ेगा एंडोला से लगभग 40 किलोमीटर दूर। आने के लिए आप भाई पब्लिक बस यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रेल की कनेक्टिविटी भी है जिससे आप भाई यहाँ पे आ सकते हो। तो हम भाई यहाँ पे आए थे, आज टाउन को दिखाते हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं लुआंशा शहर। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं भाई ये है लुआंशा टाउन का मेन बस स्टैंड। यहाँ से आपको लोकल बसेस लुआंशा से कहीं भी आप जाना चाहोगे तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। हाउ आर यू ब्रो? ये है मेन यहाँ का भाई डाउनटाउन एरिया बोल सकते हो। वहीं भाई अगर इस पूरे लुआंशा टाउन के यानी डिस्ट्रिक्ट के भाई पूरे पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1.5 लाख है सिर्फ। और इसकी खोज भाई कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। 20th सेंचुरी में विलियम कॉलिन करके भाई एक एक्सप्लोरर बंदा था और उन्होंने किया वो भी कैसे लुआंशा रिवर एक पड़ता है वहाँ पे जाके वो रोन एंटोलप जो है उसको भाई किलिंग के लिए वो लोग गए हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे पहुँचने के बाद इस पूरे शहर को भाई एक्सप्लोर किया यानी उन्होंने भाई डिस्कवर किया। बाकी इसको गार्डन टाउन बोला जाता है, क्यों उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा सा हरा भरा है सराउंडिंग पूरा, यह काफ़ी हरा भरा है, इतना बड़ा नहीं है। और जो यहाँ मेन रिसोर्स है वो है कॉपर, कॉपर माइनिंग। बट इसके अलावा भी आप मान के चलिए यार कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं मोस्टली आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, वो इंडस्ट्रीज़ में लाइक स्टील हो गया, कई ढेर सारे फैक्ट्रीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ले देके पूरा एक हब आप मान सकते हो कॉपर माइनिंग फैक्ट्रीज़ और अदर नेचुरल रिसोर्सेस जिसको भाई यहाँ पे मेल्ट किया जाता है और बाकी चीज़ें बनाई जाती है। बाकी ये रहा यहाँ का मेन सामने जो हमने आपको देखा पिक एंड पे, ये भी एक भाई अपने किसी एक वेस्टर्न यूरोपियन बंदरे का है। और ये रही यहाँ की लोकल छोटी खुदरी दुकानें भाई सब्जियों की जो लोग यहाँ पे सेल वगैरह करते हैं और आपको एयरटेल मनी छोटे मोटे रेस्टोरेंट खाने पीने के, ये है यहाँ का कार्ट
पार्किंग यानी टैक्सी स्टैंड और लोकल ट्रांसपोर्ट बस जो हमने आपको बताया। और जैसे अपने यहाँ भाई हर जगह सड़क पे लोग छोटी मोटी दुकान लगा लेते हैं, सेम यहाँ पे भी है। और बात करें भाई खाने की, फूड की, तो मोस्टली फ्रूट्स यहाँ जो ऑरेंज है भाई वो यहाँ आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा होता है, और मेज इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। वीट की भी खेती है नियर बाई एरियाज़ में, क्योंकि जो इनका रिवर है, हमने आपको बताया लुएनशा रिवर भी है, तो उसकी वजह से पानी का रिसोर्स है इनके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने आप देखिए बाटा, और ये रहा पूरा डाउनटाउन एरिया और यहाँ के लोकल लोग। छोटा सा बस स्टैंड आप बोल सकते हो भाई, सामने जस्ट आपको दिख रहा होगा बाजू वाडा चौक बस स्टैंड, पेट्रोल स्टेशन भी है उसी के बाजू में, आपको मेन बस स्टैंड भी दिख जाएगा। और ये यहाँ का मेन थोड़ा सा भाई कॉमर्शियल बिल्डिंग, लोकल काउंसिल आप बोल सकते हैं। ये सब पूरा डाउनटाउन एरिया ही है यार, छोटा सा है। आप देखो उधर से आप घूम जाओगे तो इधर चले आओगे आप, इस हिसाब से देखो एक जगह से आप एंट्री करो और दूसरी जगह एग्जिट, पूरा का पूरा शहर ख़त्म। तो बहुत बड़ा नहीं है, टाउन की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे लुएनशा तो थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए थोड़ा सा आपको नियर बाई ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के रेंज में जाना होगा। अगर आप जाना चाहते हो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो हम अभी आपको उधर दिखा रहे थे, सामने हमको ShopRite फिर से दिख गया, तो हम डायरेक्ट उस चौराहे से निकले और हम यहाँ पे पहुँच गए भाई ShopRite के पास। लेकिन एक चीज़ और हमने देखा भाई कि यहाँ पे काफ़ी इंडियन है, रीज़न क्योंकि जो ये लुएनशा शहर है यार, इसका जो लिविंग एक्सपेंस है यानी रहने का खर्चा, जो देखो आप 2000 से 3000 क्वाचा, जंबन क्वाचा में आपको पूरा का पूरा 2-3 BHK का बंगलो रो हाउस आपको पूरा पूरा गार्डन के साथ मिल जाता है। तो इसलिए लोगों ने फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाई हुई हैं, और लेबर जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे, और ग्रीनरी है और पीस है, उतना क्राउड नहीं है, कंपटीशन भाई यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट यहीं से आगे थोड़ा सा और आप जाते हो ऑलमोस्ट 50 से 100 किलोमीटर, जो एक रिवर है भाई, एक तो लुएनशा रिवर खुद है और एक जाम्बेजी रिवर तो काफ़ी आगे हो जाएगा, उसके पहले एक रिवर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से काफ़ी वेस्टर्न यूरोपियन बंदे हैं जो भाई अपने इटली वगैरह के उनके फार्म वहाँ पे है, जिसकी वजह से ये जो ShopRite आपको दिख रहा है चेन सुपरमार्केट का यहाँ पे खोला गया है, वो लोग यहाँ पे आते हैं भाई शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो ले देके भाई देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, पीसफुल है। तो ये रहा मेन कॉमर्शियल बिल्डिंग, जाम्बियन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सामने जो बिल्डिंग दिख रही उसी के बाजू में ये आपका माउंट मेरू फिलिंग स्टेशन है, और कैफबू हाउस जो सामने आपको दिख रहा होगा। ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ का लुएनशा का। बाकी ये जो सामने हरी सब्जी देख रहे हो भाई, ये यहाँ की मेन स्टेपल सब्जी आप बोल सकते हो, और जो है जो ये मोस्टली शीमा के साथ बनाया जाता है ये, और काफ़ी लोग ये खाते हैं यहाँ पे, काफ़ी पसंद करते हैं इसको। तो ये छोटी सी भाई सब्जी मार्केट यहाँ की, और जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। अपनी आदत है भाई, कहीं हम जाएं या ना जाएं मार्केट में हमेशा कोशिश करता हूं, हर शहर का, हर विलेज का, जहां भी मैं जाता हूं भाई वहां पूरी कोशिश करता हूं कि एक बार मार्केट जाओ, क्योंकि असली कलरफुल चेहरे अगर आपको देखने हैं किसी भी कंट्री के, तो वो वहां के लोकल मार्केट में आप जाइए, वहां एक्सप्लोर करिए, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलता है रियल में। क्योंकि शॉप में जाओगे, बाकी ज़्यादा जगह जाओगे तो मेन टाउन जो एरिया होता है वहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। बेस्ट तरीका है कि आप लोकल मार्केट में घुसिए, वहाँ पे लोकल लोगों से बात करिए, और लोकल लोगों से बात करिए। और जो एक चीज़ सबसे बड़ा डिफ़िकल्टीज़ हमेशा हमें होता है, उसमें प्रॉब्लम यही आती है भाई कि लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अभी ये यहाँ पे हो रहा है। अभी मैं कैमरा टर्न नहीं कर रहा हूँ, बट ऑलरेडी उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, अदरवाइज़ बेस्ट तरीका है लोकल कल्चर, लोकल हॉस्पिटैलिटी, लोकल पीपल, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का डायरेक्ट आप मार्केट में आइए। तो हम अभी आ चुके हैं भाई लुएनशा का मेन मार्केट, लोकल मार्केट, जहाँ पे सब्जियाँ, फ्रूट्स और फिश, ड्राई फिश हो गए, बाकी जो भी मसाले वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके ले सकते हैं।